बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाही करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन बाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड कैलकुलेट वाई एन एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है वाई, उसको हम लिख देंगे ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स, और हम यहाँ पर आगे चल के जब हमें वाई एन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें वाई की वैल्यू एट ज़ीरो पर भी ज़रूरत होगी। ये तो हम बाद में भी फाइंड कर सकते हैं या अभी पहले से इसकी तैयारी करते चलें। जहाँ पर भी हमें x मिलेगा वहाँ पर हम ज़ीरो रख देंगे तो y की वैल्यू में, तो यह है e टू द पावर m cos इनवर्स x ज़ीरो हो जाएगा। और cos इनवर्स ज़ीरो हम लोग जानते हैं cos किस एंगल की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो जानते हैं कि पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी y की वैल्यू एट x इक्वल टू ज़ीरो पर ये वैल्यू है हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हमें y1 फाइंड कर लेना चाहिए। y1 के बारे में मालूम ही है क्या होता है, y1 की वैल्यू होती है dy वाई ओवर डी एक्स होती है। तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो तो ये लिखिए e टू द पावर m cos इनवर्स x। जिस तरीके से हम e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं इसी तरीके से डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी e की पावर इसे x समझते हुए एम कॉस इनवर्स एक्स को एक्स समझते हुए कर दिया, लेकिन ये एक्स नहीं था इसलिए इसका इनटू में दोबारा डिफरेंशिएशन करना होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहाँ पर हमें एम कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा तभी हमें वाई वन की वैल्यू मिल पाएगी। ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स और एम इनटू में है कॉन्स्टेंट है बाहर ले लें, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस का वन अपॉन स्क्वायर रूट पर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस यहाँ से हम y1 की वैल्यू एट x इक्वल टू ज़ीरो भी पर फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ से y1 की वैल्यू, ये वैल्यू हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ये दूसरा वाला जो पार्ट है उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये बाद में भी काम कर सकते थे लेकिन हमारे पास जगह भी है टाइम भी है इसलिए कर देते हैं। m की जगह पर x की पावर सॉरी ज़ीरो रखना है, तो e टू द पावर m इंटू कॉस इनवर्स ज़ीरो और ये इंटू में m है माइनस वन अपान में स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स, यहाँ पर ज़ीरो रखना है। तो ये वैल्यू जैसे कि अभी हमने देखा था कॉस इनवर्स ज़ीरो की वैल्यू पाई बाई टू की इक्वल होती है, तो एम इंटू माइनस वन अपान इस ये ज़ीरो किसका ज़ीरो हो जाएगा और वन में से ज़ीरो माइनस होगा तो वन आ जाएगा और वन का स्क्वायर रूट वन होता है, और ये माइनस शुरू में लिख दें एम को भी शुरू में लिख दें तो y1 की वैल्यू एट x इक्वल टू ज़ीरो पर हमें मिल गई है m इंटू ई टू द पावर माइनस एम इंटू ई टू द पावर m पाई बाई टू, जो हम आगे चल के यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी हमें y2 की वैल्यू भी फाइंड करना होगी, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लें, जो डिनोमिनेटर में उसको हम पहुँचा देंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का बाई वन में, और माइनस शुरू में लिख दें ये एम को भी साथ में लिख दें, और इनटू हो रहा है ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स से, जो हमें वैल्यू दे रखी थी वाई की वो ई टू द पावर एम कॉस इनवर्स एक्स है, इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं वो इससे सिंपलीफाई हो जाएगा स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन, और ये वैल्यू हम लिख लेते हैं वाई के इक्वल। यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दें क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो आगे प्रॉब्लम ना हो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर यहाँ पर कर लेते हैं, स्क्वायर करने पर ये वन माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा और वाई वन का स्क्वायर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा एम का स्क्वायर एम स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। इससे हम वाई टू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसके आगे भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसको एक बार हमें चूँकि ये वाला पार्ट प्रूव करना है तो इसके लिए हमें दो बार डिफरेंशिएशन पहले कर लें और आगे की वैल्यू भी इसी से ही मिलेगी, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में दोबारा से। तो चूँकि यहाँ पर दो टर्म है
फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट इज़ टू मान लेते हैं, सेकंड इसे मान लेते हैं। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी, जितनी पावर उसमें से एक कम होकर वन आ जाएगा, लेकिन वन लिखते नहीं हैं। फिर जो भी है यहाँ पर जिसको हमने एक्स मान के किया था, उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन, वाई वन का दोबारा से डिफरेंशिएशन वाई टू होता है प्लस, यानी पहले हमने फर्स्ट को वैसे रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे, इसकी पावर एक कम, लेकिन इसे हमने एक्स मान के किया था, एक्स स्क्वायर के जैसे होता है टू एक्स, लेकिन ये एक्स नहीं था इसलिए इसको दोबारा से वाई वन को दोबारा से डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई टू आता है। अब सेकेंड फंक्शन को वैसा ही रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। राइट हैंड साइड में एम स्क्वायर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये एम स्क्वायर इंटू में है, कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखने हैं। वाई स्क्वायर का करेंगे पावर उसी तरीके से जैसे एक्स स्क्वायर समझते हुए इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे और टू माइनस वन यानी ये आ जाएगा वन पावर, और इसको दोबारा से वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसको हम लोगों ने वाई वन से लिखा है। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का इंटू माइनस का आ जाएगा, और ये वैल्यू हम देख रहे हैं कि टू वाई वन हम तीनों टर्म में देखने में नज़र आ रही है, तो उसे हम डिवाइड कर देंगे अगले स्टेप में, तो हमारा ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में टू वाई वन वाई टू और प्लस माइनस को इंटू माइनस, ये टू एक्स को पहले लिख दें इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें वाई वाई वन। अब हम पूरे इक्वेशन को टू वाई वन से डिवाइड कर देंगे, होल इक्वेशन डिवाइडेड बाई टू वाई वन, वी गेट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस टू से डिवाइड कर दिया, वाई वन से डिवाइड कर दिया, तो वाई वन की एक पावर यहाँ पर बचेगी, और राइट हैंड साइड में देखिए टू चला जाएगा, वाई वन चला जाएगा, सो ओनली एम स्क्वायर वाई हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बाई टू की वैल्यू एट एक्स बराबर ज़ीरो पर फाइंड कर लें आगे के प्रोसीजर के लिए, और यहाँ पर इसके लिए हम एक्स बराबर ज़ीरो यहाँ पर पुट कर देंगे, आप चाहें तो उसको इक्वेशन डाल दें, चलिए अब इसे इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं, और वाई टू की वैल्यू ज़ीरो पर फाइंड हम बाद में भी कर लेंगे, और अभी हमें जो पार्ट है ये वाला इस पर हमें फोकस करना चाहिए, तो ये वाला पार्ट पर फोकस करना चाहिए, तो इसके लिए हम डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए दो बार तो डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, हमें चाहिए है एन प्लस टू टाइम डिफरेंशिएशन, यानी एन टाइम डिफरेंशिएशन की और ज़रूरत है, तो एन बार डिफरेंशिएशन दो फंक्शन का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है उसका एन बार डिफरेंशिएशन करना है, तो आप यहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेबनीज़ थ्योरम हमको इस काबिल बनाता है कि हम किसी भी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का हम एन टाइम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई लेबनीज़ थ्योरम के यूज़ से। उसमें क्या होता है, वैसे तो लेबनीज़ थ्योरम का जो है एक प्रूफ भी है और इसको अप्लाई करने का तरीका भी है, तो उसी तरीके को हम बता दे रहे हैं, प्रूफ तो हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो क्या करना होता है कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है जिसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, अगर आप तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, उसको तो आप v मानते हैं, इसको u मानते हैं, और इस टर्म की बात कर रहे हैं, इसको ब्रेकेट में लिखेंगे इसके n बार डिफरेंशिएशन को, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एन सी ज़ीरो, क्योंकि n बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जिसको v माना उसको एज इट पहले लिख देंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो n दो बार तो पहले हो रहा था, n बार हो गया तो n प्लस टू टाइम्स हो गया कुल मिला के। अब इसी टर्म को देखिए अगले के नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी यहाँ पर ज़ीरो है तो अगले में एन सी वन हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन पहले एक बार भी नहीं हो रहा था, अब कि एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो वन का तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कम कर दीजिए, यानी पहले एन बार डिफरेंशिएशन, अब एन माइनस वन बार करेंगे तो एक कम हो जाएगा इससे, यानी पहले अगर n प्लस टू था तो अब n प्लस वन हो जाएगा, यानी जितना भी इसका एक डिफरेंशिएशन कर दिया और बढ़ा दिया, इसका घटा दिया, ऐसे समझ लें। अब इसी टर्म को देख के हम अगला टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पर वन है तो अगली बार में एन सी टू आ जाएगा, यहाँ पर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई हो रही है। अब इसका डिफरेंशिएशन जैसे एक बार डिफरेंशिएशन ये किया, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, इसका एक कम कर दीजिए, यानी एन बार था एन प्लस वन टाइम्स था तो एन टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा,
नेक्स्ट टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरीके से आगे हम चाहे वो नेक्स्ट बार कितनी बार करेंगे वो ज़ीरो का फिर ज़ीरो आता रहेगा, सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है इस टर्म का एन लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हुए एन बार डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी हमें ये टर्म और रह गए हैं डिफरेंशिएशन करने के एन टाइम्स लेबनीज़ थ्योरम के यूज़ से, तो माइनस का साइन है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं। जगह नहीं हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर, तो इस ब्रैकेट लगा दें इसी तरीके से जैसे इसमें अप्लाई किया था। और दो टर्म है तो इसे वी मान लें, इसे यू मान लें, और शुरुआत इसके भी एन बार डिफरेंशिएशन करना एन सी ज़ीरो, और एक्स को वी को यानी ऐसे लिखेंगे, इसको एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार तो पहली हो रहा था, एन बार और हो गया तो एन प्लस वन टाइम डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस टर्म को देख के हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, यानी अब एन सी वन आएगा, और ये इसका डिफरेंशिएशन ये एक्स का करेंगे, एक्स का तो वन होता है, और इसका एक कम कर देंगे, यानी एन प्लस वन टाइम्स हो रहा था अब एन बार करेंगे। क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया तो आगे के टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो यानी ब्रैकेट इसका डिफरेंशिएशन एन टाइम तो कंप्लीट हुआ। फिर राइट हैंड साइड में आ जाएंगे इक्वल, इसको भी एन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। एम स्क्वायर तो इनटू में है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, और वाई का एन बार डिफरेंशिएशन वाई एन होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेंगे, पहला पार्ट जो प्रूव करना था वो आ जाएगा। आपको मालूम ही है कि एन सी ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, यानी ज़ीरो हो तो कुछ भी लिखा हो वन आती वैल्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो ऐसे लिखना है वाई एन प्लस टू, ये तो मैं प्रूव करना वो आ रहा है यहाँ पर, ये माइनस टू, तो हम यहाँ पर शुरू में लिख देंगे माइनस का टू एक्स, और यहाँ पर देखिए वन होता है तो जो ऊपर लिखी होती वैल्यू वही आ जाएगी, यानी एन आ जाएगी, और वाई एन प्लस वन, फिर ये भी प्लस माइनस के इंटू माइनस का, यानी टू हम पहले लिख दें माइनस के, और एन सी टू की वैल्यू होती है एन होती है एन माइनस वन, यानी दो लिखें तो दो फैक्टर हो गए एन और से कम, अपान में फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू को टू भी लिख सकते हैं, और इनटू ये रह गया वाई एन। ये तो हमने इस वाले टर्म को लिख दिया है, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर माइनस का साइन था वो अप्लाई कर देंगे, अगला ब्रैकेट शुरू, ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू वन होती है, यानी नीचे जीरो ऊपर कुछ भी उसकी वैल्यू वन, और एक्स वाई एन प्लस वन, और प्लस का साइन है अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर वन है तो ऊपर जो लिखा वही आ जाएगा यानी एन, और फिर लिखेंगे वाई एन ब्रैकेट क्लोज, और राइट हैंड साइड में तो कुछ भी है यानी यानी एम स्क्वायर वाई एन के अलावा। तो हमने इसको एज इट नोट कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं करना था। अब देखिए ये फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू होती है तो ये टू से टू तो कैंसिल कर सकते हैं हम, और फिर इस ब्रैकेट को हटा देंगे, वन का इनटू करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा, और ये हमें प्रूफ भी करना था, प्रूफ करने में यही टर्म आ रहा है। तो अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं, फर्स्ट वाला टर्म वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस का टू, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि माइनस का एन टू है और एन को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिख दिया, वाई एन प्लस वन। फिर नेक्स्ट टर्म यहाँ पर इसके बचा है वो लिखेंगे माइनस एन एन माइनस वन वाई एन, माइनस का एन एन माइनस वन वाई एन लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए अब की ब्रैकेट जो ओपन हो रहा है तो ब्रैकेट से पहले जो कि माइनस का साइन है तो अंदर के साइन दोनों बदल जाएंगे, नहीं ये दोनों प्लस के थे तो दोनों ही टर्म ये माइनस के हो जाएंगे, और वन का इंटू होके तो एक्स वाई एन प्लस वन आएगा, तो इसी को हम यहाँ लिखते हैं माइनस का एक्स वाई एन प्लस का वन। फिर नेक्स्ट टर्म भी माइनस का हो गया है और ये एन टाइम्स वाई एन है। अब हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं जिसकी वैल्यू एम स्क्वायर वाई एन है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई एन लिख दिया हमने, कंप्लीट ये स्टेप हो गई है। अब हमें जो ज़्यादा है बार डिफरेंशिएशन वाई का वो पहले टर्म फर्स्ट वाले टर्म में ही लिखा है वाई एन प्लस टू टाइम्स, और जो एन प्लस वन टाइम्स डिफरेंस है वो ये दो टर्म है इनको एक साथ लिख दें, पहले तो टू एन एक्स वाई एन प्लस वन और माइनस का एक्स वाई एन प्लस वन, और जो वाई एन वाले टर्म है उनको एक साइड एक ही जगह पर कलेक्ट कर लेंगे लास्ट में एन एन माइनस वन सबसे कम टाइम्स, ये भी डिफरेंशिएशन है एन और वाई एन, और इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा एम स्क्वायर वाई एन। राइट हैंड साइड में हम जीरो छोड़ के आ रहे हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं है राइट हैंड साइड में, सिर्फ ज़ीरो है। अब यहाँ पर हम इन दोनों में लाइक है, ये लाइक टर्म है तो उनमें कॉमन ले लेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, यहाँ पर देखिए एक तो माइनस बाहर ले लेंगे और एक्स भी कॉमन आ रहा है वाई एन प्लस वन, जिसको हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे तो यहाँ पर टू एन बचेगा प्लस का, और यहाँ पर प्लस का वन बचेगा क्योंकि हमने एक्स वाई एन प्लस वन को बाहर ले लिया है ब्रेकेट के, कॉमन था इसलिए। इनमें भी देखिए हम माइनस को बाहर ले लेंगे तो साथ ही साथ हम वाई एन को भी राइट हैंड साइड में हम बाहर यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
ज़ीरो। तो क्या बचेगा भाई एन और माइनस को निकालने पर, पहले में तो एन एन माइनस का वन बचेगा, दूसरे में क्योंकि माइनस बाहर हो चुका है तो प्लस का एन बचेगा, और माइनस था वो बाहर हो गया तो एम स्क्वायर आ गया प्लस का। इस टाइम में कुछ भी नहीं करना है, इसको एज इट लिख दीजिए जो कि लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस का टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स बाई एन प्लस वन, और माइनस उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करने एन का दोनों में इंटू हो जाएगा एन में भी और वन में भी, और फिर बाकी दोनों टर्म्स को ऐसे ही हम नोट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस एन हैं कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उसको लिख देते हैं। जो प्रूव करना था वो आ चुका है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, लेकिन एक पार्ट हुआ है टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और माइनस एन स्क्वायर बचा और प्लस का एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा जो फर्स्ट रिज़ल्ट है जो प्रूव करना था वो आ चुका है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट हो गया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर टू यहाँ पर डाल देंगे।